याया सिनवार के हमास चीफ का पदभार संभालते ही गाजा में हमास के इजराइल पर हमले तेज हो गए हैं। गाजा के हर कोने से हमास लड़ाके आग बरसा रहे हैं। हमास लड़ाके घात लगाकर भीषण बमबारी से इजरायली बलों को दहला रहे हैं। इस्माइल हानिया की हत्या से तमतमाए हमास लड़ाके लगातार प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं, जिसका सीधा असर गाजा में इजराइल के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में झलक रहा है। इजराइल के गाजा ऑपरेशन को विफल करने के लिए लड़ाके खतरनाक से खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई मौकों पर सीधे हमले कर इजराइल को तगड़ी चुनौती दी जा रही है। इस कड़ी में हमास के खूंखार मिलिट्री विंग अल कसम ब्रिगेड ने गाजा के दक्षिणी शहर रफा में इजरायली सेना पर घात लगाकर जमकर हमले किए। लड़ाकों ने घात लगाकर किए हमलों में 2 नौमेर पर्सनल कैरियर को नष्ट कर दिया। इस दौरान लड़ाकों ने गुरिल्ला एक्शन डिवाइस और 2 अल यासीन 105 गोले का इस्तेमाल कर इजराइल को बड़ा झटका दिया। समूह की ओर से जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़ाका घात लगाकर टैंक को उड़ा देता है। दावा है कि इस धमाके के दौरान इजरायली बल टैंक में ही मौजूद थे। इससे कई इजरायली सेना के जवानों के हताहत होने की खबर है। बताया जाता है कि लड़ाकों ने आईईडी विस्फोट और एक अल यासीन 105 रॉकेट की मदद से रफा के पूर्व में जॉर्ज स्ट्रीट पर 2 मरकवा टैंक को भी निशाना बनाकर तबाह किया। समूह ने अपने दावे की पुष्टि करते हुए वीडियो भी जारी किया है। इसमें इजराइल के मरकवा टैंक पर हमला करते हुए दिखाया जा रहा है। लड़ाके यही नहीं रुके, उन्होंने मृत और घायल सैनिकों को रेस्क्यू करने वाले इजरायली हेलीकॉप्टरों पर भी घात लगाकर हमले किए। अलकासिम ब्रिगेड ने 114 मिलीमीटर वाली कम दूरी के राजूम रॉकेट सिस्टम से नेटजरी मैक्सिस में इजरायल के कमांड हेडक्वार्टर पर बमबारी की। वीडियो में देखा जा सकता है कि कमरे में छिपे लड़ाके इलाके का नक्शा लिए बैठे हैं, जहां पर वो गाजा में इजरायली बलों की गतिविधि पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही लड़ाके इजरायली बलों को घेरने और हमला करने की रणनीति भी बना रहे हैं। लड़ाके नक्शे पर इलाकों को मार्क कर इजरायली बलों की मौजूदगी का अंदेशा जता रहे हैं। इसके बाद लड़ाके हाथ पर हाथ रखकर अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने की कसम खाते देखे जा सकते हैं। अलकसम लड़ाकों ने रफा के पश्चिम में स्वीडिश इलाकों के पास घोल राइफल का इस्तेमाल कर इजरायली सैनिक पर सफलतापूर्वक हमला किया। अलकसम ब्रिगेड ने दावा किया कि यह हमला हमास कमांडर इस्माइल हानिया को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया था, जिसकी ईरान की राजधानी में मिसाइल हमले में हत्या हुई थी। हमास ने अपने ताज़ा बयान में दोहराया कि इस्माइल हानिया की शहादत सिर्फ उसकी ताकत और अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के दृढ़ संकल्प को बढ़ाएगी। ये देखते हुए कि उसका खून प्रतिरोध की आग को जलाएगा, इसकी तीव्रता में और ज्यादा इफाजा होगा। गाजा में हजारों फिलिस्तीनियों ने हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ को याद किया। इसके अलावा फिलिस्तीन के बाकी प्रतिरोधी समूहों ने भी अलग अलग मोर्चों पर इजरायली बलों पर हमला कर मुश्किलें बढ़ाई हैं।